नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज पर। मैं आपकी दो शिवांगी लेकर आई हूं आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले और मौत के मामले कम हो रहे हैं, इसके चलते प्रदेश में रिकवरी दर 82.84% पहुंच गया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 53 मरीजों की मौत हुई और 2,991 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं चमोली, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कई अस्पतालों में पूर्व में हुई 40 संक्रमित मरीजों की मौत की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दी गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,337 पहुंच गई है और जबकि 43,520 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 36,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 33,765 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 815 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं देहरादून जिले में 414, नैनीताल में 370, हरिद्वार में 283, टिहरी में 196, पौरी में 194, चमोली में 175, अल्मोड़ा में 149, पिथौरागढ़ में 122, रुद्रप्रयाग में 198, उत्तरकाशी में 79, बागेश्वर में 68 और चंपावत में 28 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बुधवार को ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज मिले, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में कुल 148 मरीजों में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून जिले में अब तक सबसे अधिक 141 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार के सामने कोरोना से हो रही मौतें रोकना सबसे पहली व बड़ी चुनौती बन गई है। चिंता की बात है कि मंगलवार तक के आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड में कोरोना की मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर में 64% अधिक अंकी गई। पंजाब के बाद राज्य में कोरोना से मृत्यु दर देश के दूसरे स्थान पर है। हालांकि कोविड कर्फ्यू के बाद राज्य में संक्रमण की दर में कमी आई है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार कम हुई है, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। सरकार के सामने इसको रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इस चुनौती को ब्लैक फंगस ने और कठिन बना दिया है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पर जोर। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक में रणनीति पर मंथन किया गया। टास्क फोर्स के अध्यक्ष हेमावती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्रा ने कहा कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए सबसे पहले मास सप्लीमेंशन को आरंभ करना होगा, जिससे बच्चों को जिंक, विटामिन डी की खुराक देने के लिए मानक प्रचलन विधि तैयार कर रणनीति के अनुसार कार्य करना होगा। बच्चों को संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की जरूरत होगी। कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्रा ने सभी निजी डॉक्टरों व बाल रोग विशेषज्ञों से आग्रह किया है कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए मिलकर रणनीति बनाने में सहयोग करें। ASOP बनाने में ICMR, विश्व स्वास्थ्य संगठन व अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं से भी सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। बैठक में तीसरी लहर से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ रिस्पांस कार्य योजना बनाने, बच्चों के लिए ICU बेड, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर की जरूरतों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में कार्यकर्त हेल्थ प्रोवाइडर्स व मेडिकल अधिकारियों को बच्चों की देखभाल व उपचार का परीक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। इसी के साथ सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही सुनते रहें 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़।